हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 में हुए 15वीं विधानसभा के चुनाव इसलिए भी याद रखे जाएंगे क्योंकि इन चुनावों में बड़ी संख्या में निर्दलीय और बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने के बावजूद एक तिहाई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। रिपोर्ट देखिए। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका था महीनों से इंतजार। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में संभवतः पहली बार इतना कड़ा मुकाबला दिख रहा है कि बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस में कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए एक बार फिर जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल क्षेत्र चुनाव दर चुनाव साथ देने वाला हो सकता है, तो कांग्रेस के लिए जाट बेल्ट और पश्चिमी हरियाणा में मजबूत पकड़ के अलावा इस बार जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस में कई जिलों में जबरदस्त टक्कर है, जबकि दोनों बड़े दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों बड़े दलों के उम्मीदवार आपसी कड़े मुकाबले के साथ ही एक तिहाई सीटों पर निर्दलियों के बीच में भी फंसे हुए हैं। यानी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दिल थाम के गौरतलब है कि 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन के लिए इस बार एक महीना पहले चुनाव होने के चलते सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों समर्थकों को सिर्फ 49 दिन ही मिले हैं। ऊपर से निर्दलियों और बागियों की लहर, ऐसे में धड़कने तो बड़ी हुई है। 90 माननीयों के चुनाव के लिए 2,05,00,000 मतदाता अपने वोट के फैसले से किन किन की गाड़ियों को चंडीगढ़ का ग्रीन सिग्नल देते हैं, बस अब इसी से पर्दा उठना बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए शनिवार 5 अक्टूबर को आपकी उंगली नए हरियाणा की तस्वीर की लकीरें खींचेगी और 8 अक्टूबर मंगलवार को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको याद हो कि इसी साल 25 मई को लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 मई को शनिवार था और 4 जून को जब परिणाम आए तो उस दिन मंगलवार था। अब भी शनि और मंगलवार का योग। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।